हाँ जी बच्चों, ये अकाउंट का 2022 का पेपर है यूपी बोर्ड का। जरा देखते हैं किस हिसाब से बहुविकल्पीय प्रश्न होने हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है? तो कहाँ पर करते हैं? सेकंड में, पुनर्मूल्यांकन खाते में। पुनर्मूल्यांकन खाते में। हाँ जी, आगे देखें। जब कोई नया साझेदार किसी विद्यमान फर्म में प्रवेश प्राप्त करता है तो उसे फर्म में कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? तो दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं, संपत्ति में हिस्सा भी मिलेगा और लाभों में हिस्सा भी मिलेगा। पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है क्या कहलाता है? आरक्षित पूंजी। आय व्यय खाते के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फोर्थ सही है इनमें से सभी। हाँ जी, पांचवा क्वेश्चन। अंशों व ऋण पत्रों में अभिदान आमंत्रित करने के लिए प्रविवरण निर्गमित कर सकती है केवल सार्वजनिक कंपनी। पहला, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? संचय एवं अतिरेक। सेवंथ क्वेश्चन देखें। जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। तो इसका सेकंड है, हरण किए गए अंशों पर याचित की गई राशि से। आठवां प्रश्न कह रहा है, अंश हरण किए जाते हैं मांग राशि के भुगतान नहीं करने पर। पहला सही है। वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंटरिम डिविडेंड। ख्याति के संबंध में लेखांकन मानक कौन सा है? AS10 है PPE का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS9 है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का। AS6 है डेप्रिसिएशन का। और AS2 है इन्वेंट्री का। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, इसका है AS26 आंसर। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।